यूक्रेन में यमराज हो रहा है। यूक्रेन में यमराज चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तलाश कर रहा है। किस गोदाम में कौन छुपा है, ये हर जगह जाकर देखता है और फिर इसे नजर आता है एक ऐसी जगह जहां इसका शक सही साबित होता है। उड़ता हुआ यमराज इस गोदाम में दाखिल होता है और वहां उसे नजर आते हैं ये लोग, ये तीन सैनिक, एक दो और तीन। उड़ते हुए यमराज को देखकर ये तीनों सिर झुकाकर मौत को अपना लेते हैं। उड़ते हुए यमराज का नाम है एफपीवी ड्रोन। एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसे एक ऑपरेटर चलाता है। इस वक्त यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। उड़ता यमराज मौत की 100% गारंटी है। उड़ता यमराज ना रहम करता है, ना गिड़गिड़ाते फौजियों की सुनता है। उड़ता यमराज अपने टारगेट पर फटना जानता है, इसीलिए यूक्रेन में इसे उड़ता यमराज कहा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में उड़ता यमराज पुतिन के पास भी है और ऐसा यमराज ज़ेलेंस्की के पास भी है। दोनों अपने अपने उड़ते यमराज से एक दूसरे की फौज की जान ले रहे हैं। अब देखिए उड़ता यमराज नंबर दो, रूस का सैनिक भाग रहा है और उसके पीछे पड़ जाता है ज़ेलेंस्की का उड़ता यमराज। वो एक तबाह हो चुकी बख्तरबंद गाड़ी की आड़ लेकर बचना चाहता है, लेकिन तभी ये ड्रोन गिरा देता है ग्रेनेड। रूस का सैनिक गिर जाता है और फौरन अपनी राइफल तानकर ड्रोन पर हमला करना चाहता है, लेकिन तभी उसका ग्रेनेड फटता है। दो और सैनिक बचने के लिए भागते हैं, तभी ग्रेनेड फटता है। 50 मीटर ऊपर मंडरा रहा यमराज फिर साबित करता है कि वो मौत का 100% गारंटी है। ऐसे ही ज़ेलेंस्की का एफपीवी ड्रोन बाकी रशियन फौजियों की जान ले रहा है। कोई मैदान में किसी को झाड़ियों में मारता है, तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, इसीलिए हम आपको ये पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन जनरल एक्टिव हो चुका है। ड्रोन जनरल पुतिन के पास भी है, ड्रोन जनरल ज़ेलेंस्की के पास भी है। ये जनरल ड्रोन लेकर वॉर जोन में घूम रहा है। इस जनरल का ड्रोन हर मोर्चे पर दुश्मन को तलाश रहा है। उड़ते हुए यमराज और ड्रोन जनरल की दहशत बहुत ज्यादा है। वॉर जोन इस वक्त रूस के कुर्स्क से लेकर यूक्रेन के पोक्रोस्क और खेरसोन तक एक्टिव है। सबसे खतरनाक युद्ध डोनेस्क और खार्किव के फ्रंट पर भी चल रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने इटली का दौरा किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर ज़ेलेंस्की ने बताया कि पुतिन के खिलाफ युद्ध कैसा चल रहा है। यूरोप के कई देश इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी जानती है कि ज़ेलेंस्की का साथ देकर यूरोप क्या हासिल कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन की जमीन इस वक्त हर तरह से हथियार का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुकी है। 125 दिन हो चुके हैं और ये युद्ध अब भी तेज होता जा रहा है। इटली में ज़ेलेंस्की ने एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें लॉन्ग रेंज वाले हथियारों की कितनी जरूरत है, ताकि वो हमला सिर्फ कुर्स तक नहीं बल्कि मॉस्को तक कर पाए। अब युद्ध में यही उनका एजेंडा है। When we speak that, for example, Italia or somebody else, doesn't matter, afraid that we will attack Kremlin, it's a pity we can't. Because those long distance weapons, what you had or some partners, it's about 200 kilometers. So it's less than those distance what about Tajani spoke. So, but your production have to try to do their best. But you have to understand, it's a joke, yes, but it's very serious, really serious. लॉन्ग रेंज वाले हथियार यानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक हमला, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज तो इस वक्त कुर्स्क में घुसी हुई है।
यूक्रेन के आर्मी चीफ ने ऑपरेशन कुर्स्क पर कहा है कि यूक्रेन की सेना ने बहुत बड़ा जुआ खेला है। वो कुर्स्क पर हमला करके रूस की सेना पर दबाव डालना चाहते थे ताकि डोनबास और खासकर डोनेस्क के आसपास से पुतिन अपनी सेना हटाए और उसको कुर्स्क में भेजे, लेकिन ज़ेलेंस्की का यह फॉर्मूला फेल हो गया। तमाम नाकामियों के बीच ज़ेलेंस्की ने निकाली है अपनी नई ड्रोन मिसाइल, नाम है पेलानित्सिया। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है। यह हाई मास के 300 किलोमीटर के मुकाबले ज्यादा है और ज़ेलेंस्की को ये मिसाइल गेम चेंजर नजर आ रही है। इस मिसाइल से वो मॉस्को पर भी हमला कर पाएंगे। इस मिसाइल के रेंज में रूस का एक और बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी होगा और दक्षिण में सोची शहर भी हमला के जद में आएगा। Спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів, на жаль, гальмують із рішеннями. Рішення наші і рішення партнерів мають працювати разом. І тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги. पुतिन को कमजोर साबित करने के लिए ज़ेलेंस्की ने 6 अगस्त को ऑपरेशन कुर्स्क शुरू किया था, लेकिन ये जुआ नुकसान वाला साबित हुआ है। पुतिन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन से अपनी फोर्स नहीं हटाई, कुर्स्क में कम अनुभवी सैनिकों को तैनात किया और अब उनका पूरा जोर पोक्रस्क पर कब्जे पर है। जबकि ज़ेलेंस्की चाहते हैं लंबी दूरी के हथियार, क्योंकि अब उनकी फौज 200 से 300 किलोमीटर की रेंज वाले हथियार नहीं चाहती। उसको चाहिए ऐसी मिसाइल और ड्रोन जो सीधा मॉस्को में कोहरा मचा दे। What we want, how to use this long distance weapon, just on military airfields, just to use this weapon, which can work with 100 and 300 kilometers. That's all. That's all. No other ideas. लेकिन ज़ेलेंस्की के सामने मुसीबत इससे भी बड़ी है। यूक्रेन में लड़ने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे। यह वीडियो इस महीने बहुत वायरल हो रहा है। यूक्रेन में इस व्यक्ति को आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर के लोग लेने आए हैं और जब उसने इनकार किया तो टेढ़ी उंगली से उसे राजी करने की कोशिश की गई। सब जानते हैं कि युद्ध में मौत की 100% गारंटी है, फिर चाहे वो पुतिन का ड्रोन जनरल ले या फिर ज़ेलेंस्की का उड़ता यमराज, मौत दोनों तरफ से आनी है। इस खतरे का एहसास अब ज़ेलेंस्की को भी हो रहा है। वो भी नहीं जानते कि ये युद्ध कब तक चलेगा और कब तक हजारों लाखों सैनिकों को वो मौत की दावत देते रहेंगे। इसीलिए ज़ेलेंस्की अब कैदियों को भर्ती कर रहे हैं। उनका नया एजेंडा है माफी लो फौजी बनो और रूस से लड़ने फ्रंट पर पहुंच जाओ। ऐसे सैकड़ों कैदी हैं जो यूक्रेन की जेल में थे और अब यूक्रेन की सेना में शामिल हो चुके हैं।